हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आज मैं आपको बताऊंगा सभी तरह के त्यौहार, जैसे दीपावली, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, जन्माष्टमी या कोई भी त्यौहार हो, घर में फंक्शन हो, हल्दी फंक्शन हो, मेहंदी का फंक्शन हो, महिला संगीत हो, बर्थडे पार्टी पर डेकोरेशन करना हो, तो यह सुंदर सा वुलन काइट बनाकर घर को इसे डेकोरेट कर सकते हैं। यह बहुत ही जल्दी और कम सामान से बनाया जा सकता है। इसे हल्दी मेहंदी फंक्शन में और दीपावली पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसे डेकोरेटिव काइट या पतंग भी बोल सकते हैं। यह सुंदर कलरफुल डेकोरेशन सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी सामग्री क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। इसके लिए हमें घंटी की आवश्यकता होगी, छोटी छोटी घंटियाँ जिनमें ऊपर छेद हो, इस प्रकार की घंटियाँ, पॉम-पॉम बॉल, वाइट कलर, येलो कलर, पिंक कलर, इस प्रकार के पॉम-पॉम बॉल लगेगी, और ऊन का फुंदा या उसे लटकन भी बोलते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मीडियम साइज के गोल्डन कलर के मोती की आवश्यकता होगी। ऊन, गुलाबी कलर, लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर, नीला कलर, इस प्रकार के अलग अलग रंगों के ऊन की ज़रूरत पड़ेगी, इससे यह कलरफुल लगेगा। लोहे के लिए रिंग लटकाने के लिए और एक कैंची की ज़रूरत पड़ेगी काटने के लिए। दो लोहे के थोड़े मोटे वायर जो 8 या 9 इंच के करीब है, इन्हें हम बीच में से धागे की हेल्प से बांधते जाएंगे। इसे टाइट बांधना है ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। धीरे धीरे करके हम इसे दोनों तरफ से बांध लेंगे और पक्का कर लेंगे। इस प्रकार हमने दोनों वायरों को आपस में बांध लिया है। अब हम इस पे मोटा धागा लपेटकर इसे और पक्का कर लेंगे और बीच में फेविक्विक लगा देंगे ताकि ये और पक्का हो जाए। अब यह पक्का हो चुका है। अब हम बीच में से शुरू करके ऊन को बांधना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर ब्लू कलर के ऊन का यूज़ किया है। आप कोई भी रंग यूज़ कर सकते हैं।
धीरे धीरे करके मैंने इसमें ब्लू कलर बीच में से शुरू करके धीरे धीरे इस पर लपेटते जाएंगे। अब हम वायर पर इस ऊन को गोल गोल करके लपेटते हुए जाएंगे और बांधते हुए जाएंगे। नीचे से ले जाकर ऊपर वायर में लपेटते जाएंगे, नीचे से ले जाकर ऊपर वायर को लपेटते जाएंगे। इसी प्रकार हमें जो कलर का ऊन ज़्यादा चाहिए उस प्रकार से हम इस पर लपेटते जाएंगे। अब हमने इसमें पीले रंग का ऊन यूज़ किया है, इसे भी हम घुमाते हुए वायर पर लपेटते जाएंगे। इसी तरह हरे रंग का ऊन यूज़ किया है, इसे भी हम धीरे धीरे लपेटते हुए जाएंगे और वायर पर नीचे से ले जाकर ऊपर इस प्रकार लपेटते जाएंगे। हमने यहाँ पर हरे रंग का यूज़ कर लिया है, अब हम इसी तरह लाल रंग के ऊन का यूज़ करेंगे और उसे भी धीरे धीरे लपेटते जाएंगे। हमने यहाँ लाल रंग के ऊन का यूज़ कर लिया है, अब हम इसमें पीले रंग के ऊन का यूज़ करेंगे। इस पर हमने पीले रंग का ऊन यूज़ कर लिया है, अब हम इस पर इसी प्रकार गुलाबी रंग के ऊन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने लास्ट में गुलाबी कलर के ऊन का यूज़ किया है, अब हम इसे लटकाने के लिए लोहे की रिंग को इससे जोड़ देंगे और सुई की हेल्प से इसे सील देंगे। हमने इसमें लोहे की रिंग को जोड़ दिया है।
अब हम पहले से बनाए हुए पीले रंग के फुंदे या लटकन को सुई से पिरोते हुए इसमें घंटी को लगाकर गांठ बांध देंगे। पीले रंग के फुंदे को हमने पिरो लिया है, अब हम इसमें घंटी लगाएंगे। घंटी लगाकर इसमें एक गांठ बांध देंगे। गांठ बांधने के बाद हम इसमें गोल्डन रंग के मोती को पिरोते जाएंगे। गोल्डन कलर के मोती को हम इसमें पिरोते जाएंगे। हमने इसमें दो दो तीन तीन मोती का यूज़ किया है, फिर पॉम पॉम बॉल लगाई है, फिर तीन मोती का यूज़ किया है, फिर पॉम पॉम बॉल लगाई है, फिर तीन मोती का यूज़ किया है। इस प्रकार हम तीन पॉम पॉम बॉल लगाकर पूरी लटकन तैयार कर लेंगे। इस प्रकार तीनों पॉम पॉम बॉल लगाकर हम लटकन को तैयार कर लेंगे। अब हम इस लटकन को वूलन काइट के एंड में वायर से जोड़ देंगे। इस प्रकार वायर को वायर में जोड़ देंगे। इस लटकन को एंड में जोड़कर गांठ लगा देंगे। इसी तरह हम दोनों आसपास के वायर में इसी तरह पॉम पॉम बॉल की लटकन को बनाकर इसके एंड में जोड़ते जाएंगे। हमने दूसरी पॉम पॉम बॉल की लटकन को इससे जोड़ दिया है। इसी तरह से हम तीसरी पॉम पॉम बॉल की लटकन को बनाकर जोड़ते जाएंगे। देखिए हमारी वुलन काइट बनकर तैयार हो गई है। इससे अपने घर को सजाइए। दीपावली हो, शादी हो, फंक्शन हो, तो इस वुलन काइट को बनाकर अपने घर को सजाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।